अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि कल हमने आपको मुस्लिम शावर के बारे में बताया, उसकी लीकिंग, उसकी फिटिंग के बारे में बताया आपको, उसकी लीकिंग कैसे बंद करते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टूटी। टूटी लाने का घर में खुद ही स्पैंडल चेंज कर सकते हैं, टूटी खुद ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, आपने क्या करना है, ये ऊपर इसकी कैप लगी हुई है, आपने इसको कैप को उतार देना है। आपने कैप उतार दी, इसके अंदर एक पेच लगा हुआ है, ये देखें, आपने इस पेच को खोल लेना है। इस पेच को खोल के आपका ये हेड खुल जाएगा। ये बास का हेड भी ख़राब हुआ होता है, हम समझते हैं स्पैंडल ख़राब है, बास का हेड भी ख़राब हुआ होता है, लेकिन ज़्यादातर स्पैंडल ख़राब होता है। आपने इसको खोलने के लिए रेंच लेना है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना इसको, ये आपका स्पैंडल खुल गया। स्पैंडल आपने बाज़ार जाके, सिर्फ और सिर्फ बाज़ार जब आप स्पैंडल लेने जाएंगे तो आपने अपना हेड साथ लेके जाना है, क्योंकि इसके साइज़ दो तीन किस्म के होते हैं। ये अंदर देख लें आप, कट बने हुए इसके, दो तीन किस्म के इसके साइज़ होते हैं। और स्पैंडल लगाने का तरीका भी बहुत आसान है, इसी तरह जिस तरह आपने खोला इसी तरह आपने लगाना है ये। और ज़्यादा आपने रेंच के साथ टाइट नहीं करना, हल्का सा जोर लगाना है, ये आपका स्पैंडल बैठ गया है। इसी तरह आपने ऊपर हेड रखना है, और हेड उठा के ऊपर से हल्का सा जोर लगाना है, फिर आपने पेच लगा देना है। ये आपका स्पैंडल लग गया, और आपने ऊपर से कवर लगा देना है। आज के लिए इतना ही है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।